हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इन फंक्शन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इन फंक्शन ये होता क्या है। तो देखते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट सी प्लस प्लस अलाउ अस टू कॉल ए फंक्शन विदाउट स्पेसिफाइंग ऑल इट्स ऑल आर्गुमेंट। तो सी प्लस प्लस अलाउ करता है, अगर हमने जितने आर्गुमेंट बनाए हैं अगर उतनी वैल्यू पास नहीं करी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू उसमें कुछ अपने आप असाइन कर देगा। इन सच केस द फंक्शन असाइन ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द पैरामीटर। इस केस में हम अपनी खुद की इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं आर्गुमेंट में, जैसा मैंने अपने इस एग्जाम्पल में दिखा रखा है कि हमने एक डिक्लेयर करें एक फंक्शन, नाम है फंक्शन अमाउंट, जिसमें फ्लोट प्रिंसिपल इंट पीरियड एंड फ्लोट रेट, रेट जिसमें डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का? मान लो ये अमाउंट है को नाम का फंक्शन है, ये इसमें तीन आर्गुमेंट पास हुए हैं। अगर हम इसमें दो आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रेट का जो सॉरी जो इसमें रेट है वो ऑटोमेटिकली 0.5 असाइन हो जाएगा, और जो कुछ भी इसमें डिफाइन किया हुआ है फंक्शन में जो कुछ भी कोडिंग है उससे तीनों की वैल्यू सोल्व होके हमें एक डिजायर आउटपुट दिखाएगी देगी। ये हमारा कुछ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का चक्कर होता है। तो रूल क्या है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के? वी मस्ट ऐड डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब हो गया कि मान लो ये एग्जांपल लेते हैं, अभी हम ये देखेंगे कि लीगल क्या है, लीगल क्या है। तो ये के ए राइट साइड और ये के जे आई, तो इसकी मतलब क्या है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम। तो अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है तो हमें राइट से जाके लेफ्ट में करनी पड़ेगी। तो के में वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी 10, जे में भी कर दी और आई को हमने एज इट इज़ रहने दिया, तो ये लीगल माना जाएगा। अगर हमने राइट साइड पे क्या है जे, अगर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ना देकर हमने कोई इसके लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू पास कर दिया तो वो एरर शो करेगा। इसी तरह से के में तो चलो ठीक है, पर जे में हमने खाली छोड़ रखा है पर आई कर रखा है। अगर ये आई भी नहीं रहता तो ये लीगल माना जाता, पर क्योंकि इन्होंने आई को भी कर दिया है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इसलिए इसमें एरर आएगी। अगर हमने एक में जितने भी एक ही फंक्शन में जितने भी आर्गुमेंट है सब में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दी तो वो भी लीगल माना जाता है। तो एक सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी जो कि डिक्लेरेशन, जिसके अंदर डिक्लेरेशन रखा होता है प्री डिफाइंड फंक्शन का, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, एसटीडी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी विच कंटेन द डेफिनेशन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। नाउ इंट, नाउ हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे कि फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, हम कंपाइलर को बताएंगे कि हम ये एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर दो आर्गुमेंट पास होंगे पी एंड इंट क्यू। क्यू के अंदर हमने बाय डिफॉल्ट एक ही वैल्यू पास करा दी, ओ इंट मेन एंड सी आउट मल्टीप्लाई फाइव। हमें 500 की मल्टीप्लाई करानी है पर हमने वैल्यू इसमें पास एक ही करी है, क्या हो गया। या ये हमने कॉल कर दी, अब करेंगे डिफाइन फंक्शन को डिफाइन। पी इंट क्यू एंड रिटर्न पी स्टार मल्टीप्लाई क्यू। चलो इसको रन करके देखते हैं। क्या हो गया भाई इसमें? या रन हो गया। तो 5000 हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ
यार ये पता नहीं, कंपाइलर बहुत स्लो चल रहा है। हाँ तो 10,000 हो चुका है। तो ये रहा हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन में क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब प्रोग्रामर, हम इसको प्रोग्रामर भी कह सकते हैं, गरीब लोगों की हेल्प करती है जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है या अपने खुद का कुछ ऐप बनाने हैं। मैं धीरे धीरे इसमें जावा भी लॉन्च करूँगा। तो अगर मेरा खुद की वेबसाइट है kickasscoders.blogspot.com, जिसमें मैं एग्ज़ाम नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, आप वहाँ पर भी विजिट करिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को, और लाइक ज़रूर करें अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो। थैंक यू।